Tanise, stabby bird, dead, chill. Tanise, Tanise, कल्याणी, ये घड़ी कितनी सुंदर है ना? हाँ। क्या हुआ? आई, मैं कब से मल्हार जी को ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज उन्होंने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, पता है आई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मल्हार जी मेरी बात पे विश्वास करेंगे। कल्याणी, इधर आइए। अब क्या किया मैंने? जाओ ना जल्दी, उसका गुस्सा पता है ना तुम्हें? हाँ। जी मल्हार जी। सबको गणतंत्र दिवस का महत्व बताइए। January 26, 1950 को हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और पता है मुझे तो फर्स्ट लाइन्स भी याद है, मैं सबको सुनाऊं मल्हार जी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कल्याणी ये सब तो ठीक है लेकिन गणतंत्र दिवस का महत्व तुमने अभी तक नहीं बताया। पर उसका मतलब तो रिपब्लिक होता है। कॉलेज की किताबें याद करने का मतलब राष्ट्रीय प्रेम नहीं होता कल्याणी। जाइए अपनी जगह पे वापस जाइए। सॉरी। इस देश का संविधान इस देश की नींव है। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं, जिसका संविधान हम सबको धर्म से जाति से और आर्थिक स्थिति के जानिब के बगैर हम सबको एक समान अधिकार प्रदान करता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारे भाई या बहन से उनका हक छीना ना जाए। विभिन्नता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है और हमें इस पहचान का आदर करना चाहिए। देश और देशवासियों से प्रेम, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। और वक्त आने पर अगर धरती के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें उस बात का गम नहीं गर्व महसूस होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेम यही है। आई मल्हार जी चाहे मुझ पर जितना भी गुस्सा करे लेकिन आज इनका ये साइड देख के ना मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इनकी पत्नी। अब आप सब लोग जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारियां हो गई होंगी। आई थैंक यू बोलना तो रह गया। मल्हार जी एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। वो आप क्या बातें मुंह में चबा रही हो कल्याणी? साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। बाद में बोलती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ लेकर गए मेरे बच्चे को ये लोग? बहुत वैसे तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो? वैसे तुम्हारी बातों में आकर ना मैं यहाँ तक आ गया। अब और भी देर नहीं रुकूंगा मैं यहाँ पे। चलो ऐसे नहीं अथर्व, अथर्व नहीं अथर्व, चलो नहीं अथर्व। वो बच्चा मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार मेरे पास ना इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। चलो यहाँ से। सर सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, प्लीज। अरे शपथ बनो यहाँ पे, जो करना है ना वो करो, लेकिन मैं इस चीजों में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मैं जा रहा हूँ वहाँ गाड़ी के पास, दो मिनट इंतजार करूंगा तुम्हारी तो ठीक है, वरना चला जाऊंगा। और हाँ एक बात याद रखना, पिछली बार तुम्हारे पागलपन की वजह से हम फंसते फंसते रह गए थे संपदा। Thank you.
मेरे बच्चे का झोला तो यही है, मतलब मेरा बच्चा अंदर ही होगा। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ झंडा बंधन के लिए 9 बजे तक पहुंच जाएंगे और आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट एक नाथ इंडस्ट्रीज के मालिक भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। सिक्योरिटी की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी सर। मॉल के बॉम्ब ब्लास्ट वाली घटना के बाद से कबराल की तरफ से 3 बॉम्ब थ्रेट्स आ चुके हैं। कबराल जैसे आतंकवादी भले ही अपने दहशत के बलबूते पे हमें धमकियां दे रहे हों, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस देश की पुलिस अपनी धरती की हिफाजत करना बखूबी जानती है। आप फिक्र मत कीजिए कमिश्नर साहब, मेरे होते हुए यहाँ कोई हादसा नहीं होगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बच्चे का नाम क्या है? मोक्ष। मेरा मोक्ष, मेरा मोक्ष। अच्छा किया कि तूने मेरी बात मान ली और उस अथर्वा के बिना इस घर में वापस आ गई। अब देखना, तुझे इस घर में और मल्हार की जिंदगी में मैं वापस ला के रहूंगी। आई, मैं अथर्व के साथ ही वापस आई और मुझे मल्हार की जिंदगी में वापस जाने का कोई शौक नहीं, समझे तुम? बचा दे मुझे, बचा दे। आई, दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे जानती है अगर मल्हार ने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो क्या कर बैठेगा? देख संपू, अभी भी वक्त है, सोच ले बेटा। आई, मैं अपने बच्चे को देखने आई थी, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जा संपदा, मैं तुझे उस घर के पास वापस नहीं जाने दूंगी। आई, हट जाओ। अथर्व, अथर्व, हम औरंगाबाद तो पहुंच गए पर आगे क्या? संपदा, बस बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब हम मल्हार से और नहीं भागेंगे, बल्कि मल्हार खुद अब आकर अपनी नाक और अपना सर रगड़ेगा हमारे कदमों में। मतलब? संपदा, मैं इतना बड़ा धमाका करूंगा, इतना बड़ा धमाका करूंगा कि मल्हार भाऊ अपनी पूरी जिंदगी याद रखे। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी।
मुझे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। मल्हार जी, एक्चुअली मुझे कल्याणी वो कल्याणी कल्याणी प्लीज मेरे साथ चलो, इट्स वेरी अर्जेंट। हुआ क्या? रिलैक्स। वो अनुप्रिया। आओ साहेब, अगर आप हमारा सामान कॉलेज तक पहुंचा देंगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मल्हार अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। मल्हार हमारा भी उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना कि आपका। हम आपके सामान के साथ कुछ सरकारी कागज भेज रहे हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी का प्लान है, और मौका देखकर हम मल्हार के डिपार्टमेंट वालों को ये सूचना भेज देंगे कि उसने प्लान को लीक कर दिया है। आओ साहेब, इतना मत सोचिए, मल्हार की नौकरी जाना पक्का। ठीक है, इन बक्सों में मैं अपना सामान भरकर अभी वापस आता हूँ, फिर आप इन्हें कॉलेज के अंदर ले जाइएगा। आओ साहब, कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा मतलब है। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे सिर्फ कागजात ही तो अंदर लेकर जाने हैं, और हमारी तलाशी कौन लेगा? भगवान ने चाहा ना तो मल्हार अपनी नौकरी और अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देगा। और जरा सोचो, अगर एकनाथ इंडस्ट्री का मालिक हमसे प्रभावित हो गया तो वो हमारे डूबते हुए कारोबार में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर हमें हमारा ओहदा और हमारी खोई हुई इज्जत दोनों वापस मिल जाएगा। कहाँ गई अनुप्रिया? अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई? सॉरी। क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हो तुम? हाय, बताओ किस बात का डर है तुम कि लोग क्या कहेंगे? For your kind information, लोगों की अपनी लाइफ है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारी बातें करे, सब अपनी लाइफ में बिजी है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो कल्याणी, डर तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि यहाँ कॉलेज में आओ साहब और घर वाले भी आने वाले हैं, अगर आओ साहब ने मुझे मंच पर देख लिया ना तो। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, आओ साहब अगर तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखेंगे भी तो मैं उन्हें ये पता नहीं चले दूंगी कि तुम यहाँ पे पढ़ाई करती हो, उस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ ना। कैसे छुपाने वाली हो तुम ये सब? वो गोदा और मेरे बीच की बात है, तुम टेंशन मत लो। कभी सोचा है तुमने जब तुम वहां स्टेज पे अपने पैरों पे खड़े होके इंडिपेंडेंट होके परफॉर्म करोगी तो मुझे कितनी प्राउड वाली फीलिंग आएगी? मुझे तो अभी सिर्फ डर लग रहा है, हाउस साहब को देखने के बाद मैं तो सारे स्टेप्स भूल ही जाऊंगी। अरे डरो मत, मैं हूं ना। अच्छा शेड है ना, मैंने कल ही पास वाले मॉल से लिया है, एंड गेस व्हाट, सिर्फ 200 रुपीस का। 200 रुपीस? अरे पर मेरे पास ये सेम शेड है लेकिन मैंने सिर्फ 161 रुपीस में लिया, मतलब कि मैंने पूरे 39 रुपीस बचाए। 39 रुपीस? 39 रुपीस बचा के कौन सा बड़ा तीर मार लिया तूने? आजकल आता क्या है 39 में?
डूड 39 रुपीज में जी नेटवर्क के सारे चैनल्स आते सिर्फ 39 रुपीज में. इससे अच्छी डील क्या हो सकती है यार. यू मीन zeetv एंड टीवी जी न्यूज और जी के सभी रीजनल चैनल्स सिर्फ 39 में. यस. तुझे पता है मल्हार जी जो मुझे महीने का खर्च देते हैं ना, उसमें से मैंने पैसे बचा बचा के जी के पैकेज को सब्सक्राइब भी कर लिया. और अगर तुझे भी अपना राब्ता बनाए रखना है ना जी चैनल्स के साथ, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर सिर्फ 39 रुपीज में. रुकिए मैडम, थैलिया मशीन में डालिए, चेक करना है. तुम कहना क्या चाहती हो, हम चोर उचक्के हैं? एक मिनट मैडम, एक मिनट. देखिए मैडम, हमें यहाँ से अंदर जाने वाले हर सामान को चेक करने का ऑर्डर मिला है. हम इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं और आज के कार्यक्रम के लिए हमें और हमारे परिवार को यहाँ आमंत्रित किया गया है. देखिए मैडम, माना कि आप ट्रस्टी हैं, लेकिन आज सीएम साहब आने वाले, इसी सिक्योरिटी बहुत टाइट है. सॉरी, मुझे आपका सामान चेक करना ही पड़ेगा. हम कह रहे हैं मैडम, अपना सामान चेक नहीं करने दे रही है. अतिथियों को भेंट देने के लिए हम साड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, अब इसमें क्या चेक करना है? और आप तो हमें जानते हैं ना. जी आओ साहब, मैं बताता हूँ इसे. राव, ये मल्हार सर के घर के लोग हैं, जाने दो इन्हें. आइए. मैं अभी आपके बक्से वापस लेकर आता हूँ. तुम पर भरोसा करके हम ये कागज यहाँ लेकर आए हैं. अब तुम भी अपना वादा पूरा करना. किसी भी हालत में मल्हार की नौकरी जानी चाहिए. आप चिंता मत कीजिए आओ साहेब, मेरा वादा पूरा होगा. अनुप्रिया कहाँ है? तुमने तो कहा था कि छात्रों को माँ बाप के साथ बुलाया है, इसीलिए कल्याणी उसे यहाँ लेकर आई है. तो है कहाँ वो? हाँ हाँ सर, मैं इधर आसपास ही होगी. ये कल्याणी था इधर है ना. Everybody, dance!
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्य अतिथि, इस देश में ज्ञान बांटने वाले तमाम शिक्षकगण और देश का युवा पीढ़ी का भविष्य वाले सारे विद्यार्थीगण, सारे छात्र छात्राओं को, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। कैसा लगा मेरा कॉलेज बॉय? बच्चे को छोड़ो और अपने प्रदर्शन की तैयारी करो, जाओ। अरे आत्या, मेरी परफॉर्मेंस में भी टाइम है, पहले तो क्लासिकल एक्ट होगा। और बेचारे, पता है एक डांसर ना आज कॉलेज आई ही नहीं, पता नहीं अब ये लोग क्लास रूम में डांसर कैसे अरेंज करेंगे। असली मजा तो अब आएगा मल्हार। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट प्रस्तुत करेंगे एक ऐसा परफॉर्मेंस जिससे हमारे देश की मिट्टी की खुशबू आती है। यार नेहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इन्हें इतना अच्छा क्लासिकल डांस भी आता है, लेकिन अगर आज इन्होंने हमारी मदद नहीं की होती ना, तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे उस बीमार लड़की की वजह से हमारा पूरा एक्ट कैंसिल हो जाता। कुछ सीखो आए, आप तो मेरे कोई भी स्कूल फंक्शंस में नहीं आते। और माई कल्याणी ताई की कितनी मदद कर रही है। देव का एक तुला हा? लेकिन विद्यार्थियों के माँ बाप कला प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? अरे आओ साहब, अभी प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करिए ना। और वैसे भी ना, मैंने प्रिंसिपल सर से बहुत रिक्वेस्ट करके स्पेशल परमिशन ली है कि ये डांस कर सके। और जरा सोचिए आओ साहब, अगर आपने अभी कुछ कहा तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि आओ साहब अपने घर की बहू बेटियों को आजादी नहीं देती। कितनी बदनामी होगी आपकी। शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगती लगती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। शामी आने के तले आजा सरी वाले नीले आसमां आगे तले। जय हो शब्बे गांव, जय हो गामे दे, जय हो हाले दे, जय हो रेजुदी, जय हो बाला बाला, जय हो बाला बाला, जय हो बाला बाला, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है,
सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशन। बहुत थैंक यू। कंग्रेचुलेशन अनुप्रिया, तुमने आज कमाल कर दिया। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। सॉरी अनुप्रिया, मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। मैं तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी ब्रिलियंट डांसर निकलोगी। कोई बात नहीं, ठीक है। डिजर्व इट ऑल। अनुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम है। हेलो आंटी, नमस्ते। हम सबने तो सोचा ही नहीं था कि हमारी अनुप्रिया इतना अच्छा डांस करेगी, लेकिन आज तो ना कॉलेज की शान बन गई है। कहीं नेहा आओ साहब को ये ना बता दे कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। और आपको पता है, नेहा, 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 अरे तुम इधर हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। सुनो ना, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए प्लीज लड़कियों को तैयार कर दो ना। प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज जल्दी। हाँ, आई, थैंक यू सो मच लास्ट मोमेंट हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ, अरे अगर तुम नहीं होती तो पता है हमारा पूरा एक्ट फ्लॉप हो जाता। थैंक यू हेल्प करने के लिए। आओ साहब, आओ साहब, आई ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया ना। क्या खाक अच्छा किया। हमारे घर की इज्जत को सारे गांव के सामने नीलाम कर दिया तुमने। खबरदार, अगर दोबारा इस तरह अनजान लोगों के सामने नाची तो। अरे भूल गई क्या तुम हमारी बहू हो अनुप्रिया। परिवार के इज्जत को संभाल कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। एक सेकंड सर, अगर परिवार की बहू में टैलेंट है तो वो टैलेंट दुनिया के सामने दिखाने में क्या बुराई है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अनुप्रिया, तुम घर चलो, वही बात करेंगे तुमसे। ये क्या, आओ साहब की बातों का पूरा मत मानना। कल्याणी, मैं बहुत खुश हुआ। कल्याणी, हमने कर दिखाया और आओ साहब को पता भी नहीं चला कि मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट, पता है अभी भी मेरे कानों में वो तालियां गूंज रही है। और पता है, अगर तुम नहीं होती ना तो ये सब करने का मैं सपने में भी सोच नहीं सकती। आई, तुमने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। I'm really proud of you. अच्छा ठीक है, अभी तुम चेंज कर लो। मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा है कि मुझे सीएम साहब को माला और मोमेंटो देने जाना है। ठीक है, तुम चेंज कर लो। ठीक है, मैं आती हूँ। काट के तुम उस डोर को सिक्योर करो, जाके जल्दी। कल्याणी, कहाँ थी तुम? सीएम साहब स्टेज पे पहुंच चुके हैं और प्रिंसिपल साहब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओ। हाँ, सॉरी। हेलो, एसीबी मल्हार राणे। कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक आपको ये बताना चाहता है कि कुछ ही देर बाद में कॉलेज में धमाका होने वाला है। कॉलेज में बम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। मेरी आवाज नहीं पहचानी तूने एसीपी? बड़े बहरेमी से मारा था ना तूने मेरा भाई को, कैसे भूल सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ कि आज भी मेरा छोटा भाई तुम्हारे जेल में सड़ रहा है। क्या किया था उसने? हाँ, मुंबई के एक मॉल में एक छोटा सा बम ही तो लगाया था। क्या गुनाह किया था उसने? कबराल ने। हाँ, कबराल। चलो, तुझे मेरा नाम तो याद है एसीपी। क्या चाहते हो तुम कबराल? साफ साफ बताओ। मेरे भाई की रिहाई। वो तो होने से रही। तुम्हारे भाई को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा।
बम ये तो सिर्फ एक आवाज थी असली धमाका तो कुछ ही देर बाद में तुम कॉलेज में देखोगे और हाँ बम ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरे आदमी बंदूक के साथ चारों तरफ कॉलेज में फैले हुए हैं अगर लोगों को वहां से खाली करवाने की कोशिश की या सीएम को बताने की कोशिश भी की ना तो बम धमाके से पहले गोलीबारी शुरू हो जाएगी और तुम्हारे नजरों के सामने लाशों की ढेर लग जाएगी अगर इन सैकड़ों लोगों को बचाना है तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही तरीका है मेरे भाई की रिहाई सिर्फ एक घंटा है तेरे पास में इसे पे सिर्फ एक घंटा सैकड़ों लोगों को बचाना है तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही तरीका है मेरे भाई की रिहाई सिर्फ एक घंटा है तेरे पास में इसे पे परमेश्वर हाँ आओ साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अंदर प्रोग्राम शुरू होने वाला है चला ना अरे वो आदमी हमसे साड़ियों के बैग्स लेकर गया था ना वो अभी तक आया ही नहीं है और ना फोन उठा रहा है अब हमें वो साड़ियाँ मुख्यमंत्री की बीवी को भेंट देनी है और वो एकनाथ इंडस्ट्री के मालिक है उनको भी भेंट देनी है अब हम क्या करें हो ना वो आदमी हमसे सामान लेकर ऐसे गायब कैसे हो सकता है परमेश्वरा कहाँ गया होगा चलो जवाब दीजिए कैसे हुआ ऐसे इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कब्राल के आदमी अंदर घुसा है जगह जगह पे बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं और हथियार भी है उनके पास कैसे हुआ किसी के पास जवाब है जल्दी करना होगा हम लोगों को हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है इस बॉम्ब को असेंबल करने के लिए हेलो बम फिट करने के बाद में तुम लोग अलग अलग लोगों में फैल जाओ और हाँ कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा अगला कदम क्या उठाना है वो मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगा जी Ridiculous. इतनी सिक्योरिटी प्लान करने के बाद भी ये कैसे हो सकता है कितने लोगों की जान खतरे में है मल्हार अगर हम बच गए ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी ट्रांसफर हो जाएगा सीएम साहब से क्या बोलूं मैं इतनी पुलिस फोर्स मिलकर भी उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पाई मैं अपनी गलती मानता हूं सर लेकिन आप प्लीज ये बात सीएम साहब को मत बताइएगा क्योंकि सीएम साहब को बात पता लगी तो वहां इवैक्यूएशन शुरू हो जाएगा और कब्राल ने धमकी दी है कि हमने ऑडिटोरियम से लोगों को बाहर निकाला तो वो फायरिंग शुरू कर देगा बहुत जाने जा सकती हैं सर हमें अपना एक एक कदम सोच समझ के रखना होगा तो क्या करें मल्हार एक आतंकवादी के आगे घुटने टेक दें कब्राल के भाई को रिहा कर दें नहीं सर हम एक आतंकवादी के सामने अपने घुटने हरगिज नहीं टेकेंगे भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं लेकिन
उस बॉम को और आतंकवादियों को मैं ढूंढ के रहूंगा सर। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके फाइन, सिर्फ 50 मिनट है तुम्हारे पास। उसके साथ 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 ही मैं कबराल के भाई को रिहा करने की तैयारी शुरू करता हूं। अगर तुम बॉम्ब नहीं ढूंढ पाए तो मजबूरन मुझे कबराल के भाई को रिहा करना पड़ेगा। मेरा विश्वास कीजिए सर, ऐसी नौबत हरगिज नहीं आएगी। होशियारी नहीं, आओ सुना। वो लड़का आया क्या जो राहुल के बदले मेरे साथ परफॉर्म करने वाला था? नहीं दिखा नहीं वो। मल्हार जी फिक्र मत करो कल्याणी, मैंने तुम्हें डांस करते देखा था, मुझे सारे स्टेप्स आते हैं। हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से, इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम, इंडिया वाले। आंखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दे के ताले, हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से, इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। ऑडिटोरियम में कुछ भी नहीं दिख रहा है। उस आदमी ने कुछ बताया बॉम्ब के बारे में? मल्हार जी अभी। इसलिए मेरा मंच पे आना जरूरी था, क्योंकि उस लड़के के न आने की वजह से अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो लोग ऑडिटोरियम छोड़ के जाने लगते, और इतने लोगों की जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन
कॉलेज में बॉम्ब कैसे आ सकता है? एक कबराल नाम का आतंकवादी है उसकी वजह से, और उसके आदमी इस कॉलेज में हथियार लेके भी घूम रहे हैं। लेकिन तो फिक्र मत करो कल्याणी, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, समझे तुम? आप पवार क्या स्टेटस है? कल्याणी, कल्याणी ये मल्हार मंच पर क्यों गया है? क्या हुआ, सब ठीक है ना कल्याणी? बताओ बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया है, बताओ बताओ, वरना टुकड़े करके कबराल के पास पहुंचा दूंगा। सर, कबराल का लोकेशन ट्रैक नहीं हो रहा है सर, वो इंटरनेट से VPN बदल कर कॉल कर रहा है सर। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कॉलेज में गन्स और बॉम्ब कैसे आ सकता है। वो पोजीशन ट्रैक कीजिए, जरा जूम कीजिए। जाहिन सर। पवार कुछ पता चला? नहीं सर। सर ये कबराल के आदमी बहुत ही होशियार है सर, इसने अपने मोबाइल में कुछ ऐसा डिवाइस लगाया है जिससे हमारा सिस्टम ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है। मल्हार जी, अगर आप एक मौका दें तो उन टेररिस्ट को पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कॉलेज में गन्स और बॉम्ब कैसे आ सकता है। उनमें से कुछ को पहचानने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप कैसे मदद करेंगे आओ साहब? हमें पूरा विश्वास है मल्हार जी कि वो बंदूकें, वो बम हमारे साड़ियों के बॉक्स के साथ ही अंदर आया होगा, लेकिन हम ईश्वर की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था उसमें क्या है। हमें तो उस आदमी ने बताया था कि उसमें कुछ सरकारी कागज हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। हम अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे तुमसे, इसीलिए हमने उस आदमी की बात मानी। परमेश्वरा ये क्या हो गया हमसे? तस्वीर कैसी लगी एसीपी? अभी तो लोग सिर्फ बेहोश है। अगर तुमने मेरे आदमी को ढूंढना बंद नहीं किया ना तो तुम्हारे हवलदार की लाशें पहुंच जाएगी तुम्हारे पास। बस तुम्हारे पास में कुछ ही पल का समय है, या तो मेरे भाई को छोड़ दो या सब के सब मारे जाएंगे। इसका मतलब कबराल ये जानता है कि हम उसके आदमी और बॉम्ब्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका एक आदमी हमारी गिरफ्त में ऑलरेडी है। इससे पहले उसको ये पता लगे हमें बाकी के आतंकवादी और बॉम्ब्स को ढूंढना होगा। मल्हार जी, क्यों ना हम सब मिलके टेररिस्ट को पकड़े और आपकी टीम जाके बॉम्ब ढूंढे। मैंने एक मूवी में देखा है कि
कैसे पुलिस सिविलियंस की मदद से टेररिस्ट को ट्रैक करते हैं, और हम सब ब्लूटूथ के जरिए आपसे कनेक्टेड रहेंगे ताकि आप हमें इंस्ट्रक्शन दे सके। कल्याणी क्या बातें कर रही हो तुम, असल जिंदगी में और फिल्मों में बहुत फर्क होता है। कल्याणी ठीक कह रही है मल्हार जी, सिनेमा भी जीवन पर आधारित होता है। उन आतंकवादियों को पकड़वाने में हम आपकी मदद करेंगे। शायद ऐसा करने से हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन मल्हार, लोगों की जिंदगी का और हमारे देश का सवाल है। अगर तुम और तुम्हारे लोग देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमने भी तो इसी देश का नमक खाया है ना। हाँ मल्हार, गलती मेरी भी है तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, इस सबसे आप लोगों की खुद की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर अगर यहाँ विस्फोट हो गया, लोगों की जानें चली गई, तो पूरे देश का सर शर्म से झुक जाएगा। और इस वक्त हमें हमारे जान की परवाह नहीं है, देश की प्रतिष्ठा की फिक्र है। आपने भी तो यही कहा था ना मल्हार जी, देश के लिए अगर अपनी जान कुर्बान भी करनी पड़ जाए तो दिल में उस बात का कोई कम नहीं होना चाहिए। उसे ही तो राष्ट्रप्रेम कहा जाता है ना। और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं उस जेनरेशन से बिलोंग करती हूँ जो ये नहीं सोचती कि देश की हिफाजत करना सिर्फ सिपाहियों या फिर पुलिस वालों का काम होता है। देश की हिफाजत करना हर एक देशवासी का फर्ज होता है। मल्हार, तुम जानते हो ना जो तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सर, ये बात मैं इनको बता चुका हूँ। सर, मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस करती हूँ कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। ये फैसला हम सभी ने साथ मिलकर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम लोग इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए तो मजबूरन हमें कबराल के आदमियों को छोड़ना पड़ेगा। इस एयरपीस के जरिए आप लोग लगातार मुझसे टच में रहेंगे। ध्यान रहे, आप कोई भी खतरा बिना मुझसे पूछे मोल नहीं लेंगे। आपको कोई भी संदेहजनक इंसान नजर आता है, आप सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे। अगर आपको वो आतंकवादी दोबारा नजर आता है तो आप बिना हरकत किए मुझे इन्फॉर्म करेंगे। आओ साहेब। सर, एक नाथ कंपनी के मालिक आ गए। क्या मल्हार, मेरी तरफ मत देखो। तुम्हारे कहने पर ही कबराल के बारे में मैं सीएम साहब को यह बात नहीं बताई तो मैं एकनाथ इंडस्ट्री के मालिक को यहां आने से कैसे रोक सकता हूं? चलो, उन्हें रिसीव करना ही पड़ेगा। एक बात और, आपकी चाल ढाल से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ मिशन पे हैं। आया समझ में? अब हम लोग ऑडिटोरियम जाएंगे और अगर आपको वहां पे कोई भी संदेहजनक आदमी नजर नहीं आता है तो आप चारों अलग अलग दिशा में निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए। एकनाथ इंडस्ट्रीज के मालिक बापट साहब आ गए हैं। और अब एसकेजे कॉलेज के इस भव्य फंक्शन में हम स्वागत करते हैं प्रसिद्ध बिजनेसमैन
एकनाथ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अथर्व बापट। संपदा जिंदा है? कारपेट ठीक कर दोगे क्या? मेरी वाइफ का पैर अटक जाएगा, प्लीज। अथर्व इतने बड़े कंपनी का मालिक कैसे बन गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? एक मिनट सर, शायद आपको पता नहीं लेकिन वो एसीपी है। ये उनका काम नहीं, मैं वॉलंटियर हूं, मैं ठीक कर देती हूं काफी। नमस्कार बापू सर, इसके जो कॉलेज के इस फंक्शन में आपका स्वागत है। क्या मैं इन्हें हार पहना सकती हूँ? वो एक्चुअली ना मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सो मैं आए। सॉरी, अब पर कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरा लेके आती हूँ, डोंट वरी। आओ साहब, आइए। आओ साहब, आप एकनाथ इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलना चाहती थी ना? बापट साहब, ये श्रीमती अहिल्या देशमुख जी है, उर्फ सारे गांव के आऊ साहब। गांव के लोग बहुत मानते हैं, पटरी साड़ियों का कारोबार है इनका। आऊ साहब, और सुना है आपके बारे में? आऊ साहब, आऊ साहब, इस फंक्शन के बाद आपके बेहतरीन साड़ियों का सैंपल बापट साहब को दिखा दीजिएगा। दरअसल सर, आऊ साहब चाहती है कि आपको इनके सैंपल्स पसंद आए और इनके वर्कशॉप के लिए आप पैसा लगाएं, देशमुख परिवार को थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे जी जी प्रिंसिपल साहब, क्यों नहीं, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और मेरी कंपनी दीन गरीबों की मदद करने के लिए कभी इनकार नहीं करते।
कारोबार में मदद की उम्मीद कर रहे थे हम आपसे, भीख नहीं मांग रहे थे। अगली बार शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा। आओ साहेब, आप तो नाराज हो गए। Nonsense is this? अरे मरे हुए इंसान के तस्वीर पे चला जाता है चंदन का हार, तुम्हारे केस को पहना रही हो। सर, वो एक्चुअली एक ही हार बचा था, जो भी था मैंने इन्हें पहना दिया। मुझे समझ नहीं आता फंक्शन के सामान में चंदन का हार कैसे आ गए। I am sorry, principal साहब। कल्याणी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बात नहीं प्रिंसिपल साहब, बच्ची है। गलती हो गई। पापा साहब आइए, आइए बैठिए। इन दोनों को देखकर हमें बहुत धक्का लगा है, लेकिन आज यहाँ इन सब की जान खतरे में है, तो बेहतर यही होगा कि घर वालों का मामला भूलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। पिछले साल आपकी नासिक वाली फैक्ट्री पे आए थे मैं, तब मुग्धा जी से भेंट हुई थी मेरी। मुग्धा जी, दरअसल आजकल उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए सारा कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ। आप सही कह रही हैं भाई, आप सबको लेकर बाहर जाइए और देखिए कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिस पे आपको शक हो। मिस्टर साहब, अगर वो ढेबेवाड़ी वाली और परवरा वाली फैक्ट्री का आप उद्घाटन कर देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। ऐसी बात कर रहे हैं बाबर साहब, आपके न्योते पर अगर हम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। थैंक यू। अथर्व और संपदा जिंदा कैसे बच गए? आप ठीक है ना? क्यों ठीक नहीं हूंगा मैं? क्या होगा मुझे? तुम्हें जो काम सौंपा गया है उस पर ध्यान दो। उन आतंकवादियों को ढूंढने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। अथर, तुमने देखा नहीं, हमें देखकर सबके सब कितने जल के राख हो गए। अभी तो सिर्फ चिंगारी लगी, आग लगनी तो बाकी है। मल्हार, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने कबराल के भाई को यहाँ बुलाने का ऑर्डर दे दिया है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए प्लीज। ओके फाइन, बस 15 मिनट। 15 मिनट है तुम्हारे पास, और 10 मिनट के अंदर जो तुम कर सकते हो कर लो, वरना कबराल के भाई को रिहा करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आप सब लोग मेरे साथ चलिए, ऐसे निहत्ते आप उन आतंकवादियों का सामना नहीं कर पाएंगे। वक्त आ गया है कि आप लोगों को हथियार उठाने ही होंगे।
पत्नी है जिसने हमसे बात की थी। आओ साहब, आपके पास छाता है ना? हाँ, हाँ है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, उस आतंकवादी के पास जाइए और उससे पूछिए कि एसीपी मल्हार राणे की नौकरी जाने वाली थी, उसका क्या हुआ। उसको बातों में उलझाइए और जैसे ही मौका लगे वो छाता उसके पाँव में चुभा दीजिए। जहर तुरंत उसके बदन में फैल जाएगा और वो कमजोर हो जाएगा। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइए। कावड़े, तुरंत आओ साहब के पास जाओ और ध्यान रहे सामने मत जाना वरना आतंकवादी चौकन्ना हो जाएगा। इंतजार करना जब तक आओ साहब अपना छाता उसके पाँव में ना चुभाएं और जैसे ही ऐसा हो जाके तुरंत आतंकवादी को दबोच लेना। हेलो मल्हार जी, आप कुछ सुनाई दे रहा? यहाँ लाइब्रेरी में एक आदमी है, मुझे इस पे पूरा शक है। इसके हाथ में जो बुक है जरूर इसमें कुछ और है और पेपर्स नहीं। कल्याणी, कोई जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सुनो। पहले कंफर्म करो कि उसके हाथ में जो किताब है वो नकली किताब है और जैसे ही तुम्हारा शक यकीन में बदल जाए कि वो किताब नकली है, अपने पेन की निब का इस्तेमाल करना। वो पेन की निब उसको चुभो देना। गाइटोडे कम इन। हाँ, कल्याणी के पीछे जाओ। अंगूठी है ना? माई, आप कर तो लेंगी ना? देखिए, आपको जरा सा भी डर है तो आप लौट के वापस आ सकती हैं। जब देश की बात है तो मुझे डर नहीं है मल्हार, लेकिन आज तुम्हारी आवाज में मेरे लिए चिंता देखकर माई अपना ख्याल रखिएगा। डांडेकर कम इन। डांडेकर, ध्यान रहे माई के पीछे रहना, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। लव पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया। लव पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, जो मैं
जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा सूरमा सूरमा माने है जमया एक सूरमा 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 वही रुक जाओ लोगों के ऊपर कि हमारे देश की औरतों में आज भी वो जज्बा है जो महारानी लक्ष्मीबाई में हुआ करता था बता कहां का लगाएं बॉम्ब कहां चुपके बैठा है कब्रान बता पल्लवी कहां रह गई आओ सर, मल्हार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मतलब ये खबर कब्राल तक पहुंच चुकी होगी
अपनी एसीपी। ये होशियारी तुझे नहीं करनी चाहिए थी एसीपी। हम तक पहुंचने के लिए औरतों का सहारा लेगा तू? कान खोल के मेरी बात सुन कबराल, तेरे चार कुत्ते मेरी गिरफ्त में हैं। और बहुत जल्दी मैं सारे बॉम्ब्स का पता लगा के रहूंगा। अरे चार आदमियों को पकड़ के अपने आप को होशियार मत समझ रहे एसीपी। शाबाशी की बात तो तब होगी ना जो ऑडिटोरियम में होने वाले हादसे को तू रोक पाए। ऑडिटोरियम मिनट में तूने मेरे भाई को नहीं छोड़ा ना तो सीएम के साथ साथ मौजूद जितने भी लोग हैं ना सबकी लाशें मिलेगी तुझे। अथर्व, अथर्व। असली बम का पता तू कभी नहीं लगा पाएगा इसे पे। कभी नहीं। रुकिए, मैंने कहा यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा, सुना आपने? बाहर कोई नहीं जाएगा। कमिश्नर साहब, ये क्या हो रहा है? इसकी इंफॉर्मेशन थी आपको पहले से? सर हमें खुद इसके बारे में थोड़ी देर पहले पता लगा है। आतंकवादी ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने किसी को भी ऑडिटोरियम से बाहर जाने दिया तो वो ओपन फायर कर देगा। सर आप लेकिन फिक्र मत कीजिए, मेरी पूरी टीम बॉम्ब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? तुम्हारी कोशिश हमारी जाने नहीं बचा पाएगी एसीपी। साहब इनकी कोशिशों का अचार डालेंगे हम। बेहतर यही होगा कि जो भी वो आतंकवादी मांग रहा है इस वक्त उसको दे दीजिए, वरना यार जितने लोग हैं ना सबकी जान जाएगी। बाबर साहब सही कह रहे कमिश्नर, उसे जो चाहिए वो दो उसे। ओके सर। कबराल, मैं कमिश्नर के नाम बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मांग मंजूर है। तुम्हारे भाई को सही सलामत तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पहले तुम्हें बॉम्ब डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। नहीं, मैं मल्हार जी को हारने नहीं दूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बस की बात है आई,
कहीं इस कॉलेज में कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कहीं कबराल और उसके आदमी छोड़े जाएंगे। क्या करोगे तुम? कैसे रोकोगे उस बॉम्ब को? सेम साहब, ऐसे लापरवाह ऑफिसर को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। हथियार नीचे। किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो बटन दबा के सबके धज्जे उड़ा देंगे। हम मरने से डरते नहीं, लेकिन अगर मरेंगे तो सबको साथ में लेकर। अरे तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, रखो ना क्या। मेरा भाई कहाँ है? उसे जेल से यहाँ लाया जा रहा है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंचता होगा। और मेरे वो बंदे कहाँ है जिसको एसीपी ने पकड़ा था? वो उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। सुनिए, मैं आप सभी को यहाँ से रिहा होने में मदद करने के लिए आई हूँ। मैं सच कह रही हूँ, बस प्लीज अब हम सबकी जान बख्श दीजिए प्लीज। इतने बेरहमी से मारा है रे तुझे मेरे भाई। ऐसे पे इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। हाय, बॉम्ब की इंफॉर्मेशन इधर ही कहीं होगी। अब मेरी एक और मांग होगी। क्या चाहिए कबराल? तुम्हारे भाई को तो छोड़ दिया गया ना। तुम चाहते हो ना कि यहाँ पे कोई धमाका ना हो? इन सारे लोगों की जान बचाना चाहते हो ना तुम? यस। हाँ, ऐसा तब होगा जब मिनिस्टर खुद अपने हाथों से एसीपी को गोली मारेगा। मेरे भाई के ऊपर किए हुए जुल्म की कीमत तुझे अपने जान से चुकानी पड़ेगी एसीपी। देखो, तुम्हारे भाई को तो छोड़ दिया गया है ना। खामोश। इस लैपटॉप में तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी मांग कर रहे हो तुम? हम हमारे दामाद को कुछ नहीं होने देंगे। मंत्री जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन आप इन दरिंदों की बातों में मत आइए। चुप कर बुढ़िया, वरना सबसे पहले तो तेरी जान जाएगी। ओ सेहब, चल ऊपर आ, चल। अगर लोगों की जान बचाना चाहता है ना, गोली चला इस पे। साहब मार दीजिए अभी, क्या क्या कर सकते हैं हम। बड़ी खड़ी है ना, उसके जैसा कुछ लग रहा है।
क्या हुआ? Oh God! नहीं, बॉम्ब क्लॉक टावर में लगा है। इसका मतलब यारब में तालिस होते ही सोच ले मिनिस्टर, तो अपने और सबकी जान खतरे में डाल रहा है। मैं नहीं नहीं कर सकता। मैं ये मैं कैसे गोली चलाऊं? ये मुझसे नहीं होगा मल्हार। चलाओ गोली। अरे गोली चलाओ मल्हार, मुझसे नहीं होगा ये। नहीं होगा मल्हार, ये गोली चलाइए सीएम साहब। अगर मेरे जान देने से मेरे देश के लोगों की जान बचती है तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। हाँ साहब, मेरे बच्चे को ये जरूर बताइएगा कि मैं देश के लिए शहीद हुआ हूँ। गोली चलाइए सीएम साहब। नहीं, मैंने कहा गोली चलाइए। सारे लोगों की जान जाने से बेहतर तो यही है ना, मेरी ये अकेले की जान चली जाए। नहीं कल्याणी, आई प्लीज, देखो मुझे बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोकना होगा। आई प्लीज आई सुनो, मेरे लिए जाके सबको कह दो कि मुझे बॉम्ब मिल चुका है, सबकी जान बचाने में मेरा साथ दो। आई प्लीज, आई प्लीज कल्याण, दोगे ना मेरे साथ? नहीं, I love you, I love you। प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ है कांटों का, तू फूल वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आपको गोली चलानी होगी सीएम साहब। मैंने कहा गोली चलाइए। चलाना गोली। मैं लड़ जाना ए लहू में एक चिंगारी, सिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना एक चिंगारी, सिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।
बटन तो मैं कब का दबा चुका हूं। बम तो पटके रहेगा।